back with the van. It's day two. कल हैदराबाद से अपन आगे निकल गए थे. हैदराबाद में रुके नहीं, बारिश होने लगी और रिंग रोड, हैदराबाद रिंग रोड में पहुंचे और बारिश होने लगी. पता था कि आगे निकल जाते हैं, तो हैदराबाद से 150 किलोमीटर आगे निकल गए अपन. हैदराबाद से जब नागपुर की तरफ जाते हैं तो पहला जो मेन प्लेस आता है वो निज़ामाबाद. निज़ामाबाद से 50 किलोमीटर पहले वहीं स्टे किए, एक छोटा सा कमरा लेकर के वहीं कुछ खाया पिया और रात भर आराम किए. फिर आज सुबह 6:30 बजे चेकआउट किया और वहाँ से निकले हैं. अभी 7:45, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया ड्राइव करते हुए. पूरा मौसम एकदम मस्त रखा है, बारिश हो रही है हल्का. क्या बारिश तो हो रही है, अच्छी बूंदे बड़ी बड़ी नहीं है, लेकिन रेगुलर बारिश है. यहाँ से नागपुर 300 किलोमीटर दिखा रहा है, समझ लो ऑलमोस्ट जहाँ ठहरे थे वो नागपुर और हैदराबाद के सेंटर पॉइंट से, मतलब हैदराबाद और नागपुर, हैदराबाद तो नागपुर का जो सेंटर पॉइंट है आदिलाबाद, उससे पहले एक निज़ामाबाद है, तो वहाँ थे. टुवर्ड्स नागपुर जा रहे हैं, नागपुर सिटी में नहीं घुसेंगे बट उसके भी रिंग रोड से होते हुए अपन रायपुर चले जाएंगे. आज दिन भर का टारगेट है एटलीस्ट रायपुर अपने पहुंचना है. हैदराबाद से संबलपुर झारसुगुड़ा तक का जो टोल है, सिर्फ टोल टोल टैक्स, वो 3,000 रुपये का है. ये इंफॉर्मेशन मिला है. ये है टुवर्ड्स नागपुर. जंगल देखिए, रोड देखिए, सामने पहाड़ है, जंगल है, घनघोर जंगल है. यहां से आदिलाबाद 80 किलोमीटर दिखा रहा है, 75 किलोमीटर नाउ. नागपुर, एक्चुअली दिस प्लेस इज आदिलाबाद, सेंटर ऑफ हैदराबाद और नागपुर के बीच का जगह है. बारिश बहुत हो रहा था हैदराबाद के साइड, इधर निकले हैं तो थोड़ा कम हुआ है. Cockpit view.
लोग महाराष्ट्र में घुस चुके हैं। एक चीज बेहतरीन है, रास्ता तो अच्छा है, लेकिन खाने पीने के मामले में ये जो रोड है, हैदराबाद से नागपुर की तरफ जो रोड जाती है, इस रोड पे आपको हर स्ट्रीट के नाम से ढाबा मिलेगा। मतलब हरियाणवी ढाबा, राजस्थानी ढाबा, बाबा रामदेव उत्तर प्रदेश ढाबा, तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारा ढाबा मिलेगा हर स्टेट के नाम से। मतलब जो ड्राइवर साहब जिस स्टेट के हैं वो अपने मनपसंद स्टेट के ढाबे में जा सकते हैं। जबकि सामने है बाबा भांजा राजस्थानी ढाबा, मामा भांजा राजस्थानी, लेकिन ढाबा ही है। वी आर ऑलरेडी इन महाराष्ट्र, घुस चुके हैं महाराष्ट्र में। नागपुर 150 किलोमीटर के दूरी पर है और ये जो नेशनल हाईवे है, ये है नेशनल हाईवे 44। जो कोई भी शौकीन है ड्राइविंग, लेकिन हैव वन एक्सपीरियंस ऑन दिस हाईवे। बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट तरह का जगह से गुजरता है, रोड अच्छा है। तो पहुंचने से पहले थोड़ा बहुत हॉट बॉक्स मिल रहा है, बट इट वॉज लाइक नॉर्मल। NH1 से तो अच्छा ही। सिरसा सूरी मार्ग से तो बढ़िया लग रहा है, पहाड़ी इलाका आ गया है। मतलब उतना कुछ माइनिंग होता है इधर, कोयला वोयला का इधर पावर प्लांट सब जाता है। ओ जब स्टूडेंट लाइफ में छत्तीसगढ़ जाया करते थे उस टाइम पे जंगल पहाड़ माइनिंग कोयला, उस एरिया का रोड, उसमें जो गड्ढा था, पूरा वही नज़ारा। This is road. ये जंगल है, ये रोड जा रहा है, ये आया पोर्टहोल्स। तो ऐसा ही है। ओके, बड़ा लंबा सफर है यार, अब मैं अकेले बोर हो रहा हूँ। So, a man with the van keep moving, चलते चले जा रहे। नागपुर पहुंच गए भाई। ये नागपुर का रिंग रोड है जिससे हम लोग अब रायपुर के लिए जा रहे हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड छत्तीसगढ़। रिंग रोड का है, नागपुर का आउटर रिंग रोड जो छत्तीसगढ़ के तरफ मेरे को मोड़ के ले जाएगा। तो भाई लोग ये छत्तीसगढ़ में घुस गए, महाराष्ट्र से 8 रुपया सस्ता पेट्रोल है यहाँ, ये बोल करके एंट्री हुआ है, बॉर्डर पे लिखा है महाराष्ट्र से 8 रुपया सस्ता पेट्रोल। लेकिन मेरा साला 20 लीटर पेट्रोल हम महाराष्ट्र में भरवा लिए क्योंकि तेल खत्म हो रहा था।
द वैन अब छत्तीसगढ़ में है। नागपुर से लेके यहाँ तक का जो रोड था वो मतलब खराब नहीं था लेकिन उतना अच्छा भी नहीं था। ये देखिए 8 रुपए सस्ता पेट्रोल देखा, दिख गया होगा। यहां से संबलपुर 404 किलोमीटर है। ओह माय गॉड, से लेके जो इधर छत्तीसगढ़ तरफ रोड आता है इसमें ना भारी भारी ट्रक सब चलता है, कोयला लदा हुआ आई थिंक, और ये माइनिंग एरिया है मेरे हिसाब से। तभी इधर का रोड जो है थोड़ा छत्तीसगढ़ बॉर्डर तक रोड में पॉट होल्स पैचेस भर भर के है, लेकिन वैसा भी नहीं है कि गाड़ी खराब हो जाए चाहे फिर चल ही ना पाए। ठीक है, बट दिस इज द बेस्ट रूट फ्रॉम बैंगलोर टू रांची। तो अब हम लोग जो देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का रोड है, एंड एज पर माय एक्सपीरियंस छत्तीसगढ़ का रोड बहुत अच्छा है, उसमें पॉट होल्स और पैचेस नहीं होना चाहिए। कलकत्ता यहां से 1000 किलोमीटर है, हम लोग राजनंद गांव पहुंचेंगे, फिर वहां से रायपुर, कोशिश करेंगे रायपुर में स्टे करने का, क्योंकि वहां से फिर झारसुगड़ा 5 घंटे का है जर्नी। तो अगर झारसुगड़ा आज ही पहुंचना है तो कंटिन्यू चलना पड़ेगा, और अगर रेस्ट लिया जाए तो रायपुर इज बेस्ट प्लेस टू स्टे। चलिए, थैंक यू। ये है छत्तीसगढ़ में घुसने से पहले अपना नाम एंट्री कराइए, कोरोना का डिटेल बताइए, कितना डोज लिए हैं नहीं लिए हैं छत्तीसगढ़। और यहाँ पे कोरोना जांच सेंटर बना हुआ है। Welcome back everyone in a man with the van। तो भाई लोग राजनंद गांव में रुके थे कुछ खाने, कहीं सुबह नाश्ता किए दोपहर कुछ खाया नहीं, अब चलते रहे। नागपुर से जब छत्तीसगढ़ घुसे तो स्वागत हुआ कि यहाँ आपको महाराष्ट्र से 8 रुपया कम में पेट्रोल मिलता है, ये लिखते हुए स्वागत किया गया। फिर थोड़ा लगा कि खा लिया जाए, थोड़ा बहुत पेट में भी डाल लिया जाए। तो भाई खा के फिर यहाँ से निकले हैं, आज रायपुर में स्टे किया जाएगा। होटल में फोन कर दिए हैं पहले ही, वहीं जाके देखा जाएगा। तो यहाँ से 2 घंटा का जर्नी है, 6 बज रहा 8 बजे तक पहुँच जाएंगे, 1 घंटा 58 मिनट दिखाता है। रायपुर रुका जाएगा, फिर कल सुबह निकला जाएगा झारसुगड़ा के लिए। रायपुर से झारसुगड़ा 6 घंटे की जर्नी है, कल किया जाएगा ब्रेकफास्ट करने के बाद।